वेलकम टू स्टडी स्मार्ट फॉर कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। 14 दिनों में हम वीडियोस लेकर आएंगे, रोज एक वीडियो एलआर की होगी, लॉजिकल रीजनिंग की होगी, और एक वीडियो होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको कॉन्टिन्यूस अपडेट मिलते रहे। तो एक दिन में हम दो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि 14 दिनों में सारा सिलेबस पूरा कर दे ताकि आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर पाए। तो आज का जो मेरा लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आईबीपीएस आरआरबी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिलोजिज्म को। सिलोजिज्म को मैं कोशिश करूंगा कि पूरा टॉपिक कवर कर पाऊं, तो ध्यान से देखिए। तो सिलोजिज्म स्टार्ट करने में मैं बताना चाहूंगा कि 3 टाइप्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। जो ये टाइप अगर आप याद रखोगे तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, तो 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इन 3 टाइप्स को आप ध्यान से समझ लीजिए। समझ गए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से देखिए। तो मैं इन सबको वेन डायग्राम की मदद से आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करा जाता है और सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो टाइप वन, उन सब क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दूंगा और उसके कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट रहती है जैसे आल ए आर बी। तो इसका मतलब है हम इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, जिसमें इसको ए लिखेंगे और इसको लिखेंगे बी। तो दोस्तों आप ही बताइए, इस कंडीशन में क्या आल ए बी नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो आल ए को बी में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आल ए आर बी से हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन क्या निकलेंगे कि सम बी आर ए, ये कंक्लूजन हमेशा सही रहेगा। हर एक कंडीशन में सम बी ए होंगे ही होंगे। आल बी आर ए, ये कंक्लूजन एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि सम बी आर नॉट ए। सो आल बी आर ए इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला टाइप रहा आल ए आर बी, जिसमें कंक्लूजन मेरा निकला सम बी आर ए, आल बी आर ए इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो दूसरी टाइप है मेरी टाइप 2, जिसमें मैं बताना चाहूंगा सम ए आर बी। तो सम ए आर बी को वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहां पे, जिसको हम ए लिखेंगे, एक दूसरा सर्कल जो इसको काटते हुए जाएगा, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको बोलेंगे सम ए आर बी, इसको क्या बोलेंगे? सम ए आर बी। तो फ्रेंड्स क्लियर है सम ए आर बी का क्या मतलब है? तो ये मतलब सम ए आर बी। और एक दूसरा तरीका भी है सम ए आर बी को रिप्रेजेंट करने का, वो तरीका क्या है? तो बी को मैं यहां पे अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और ए को यहां डालूंगा। तो इस केस में सम ऑफ ए इज बी। सो आपको समझ आ रहा है सम ए आर बी का क्या मतलब है? तो तीसरा मेरा जो टाइप है वो है नॉट ए इज बी। इस केस में मैं ए को ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा,
जिसका बी से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस केस में नो एनी ए इज बी। फ्रेंड समझ आ रहा होगा, आई होप समझ आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और उसका मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये चीज नहीं समझ आई। तो नोट ए इज बी का मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीन टाइप्स हैं, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा एक और भी टाइप है जो ऊपर में ही कवर हो जाती है, लेकिन अलग से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एक नेगेटिव है। तो सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी यहां से ही ड्राइव करी गई है, क्योंकि जो अगर सम ए बी है तो सम ए आर नोट बी, दैट मीन्स अगर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यहां पे ए है और यहां पे बी है, तो सम ए जो बी नहीं होंगे वो ये वाले होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सम ए आर नॉट बी का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मुझे क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे और वो आरआरबी के ही क्वेश्चंस हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए और देखिए, खुद सॉल्व करने की ट्राई करिए और उसके बाद वीडियो स्टॉप करिए और उसके बाद देखिए मैंने क्या करा है और मिलाइए क्या आंसर थे। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन से और आपको समझाऊंगा सिलोजिज्म क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। अब पेपर में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के होंगे कि आपको दो तीन स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी और उसके बाद कंक्लूजन दे रखा होगा पहला और कंक्लूजन दे रखा होगा दूसरा। तो ऐसे आपके ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी ई, जैसे होगा कंक्लूजन वन फॉलो, जैसे कंक्लूजन वन ट्रू है, अगर कंक्लूजन टू फॉलो, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, नीदर कंक्लूजन वन नीदर कंक्लूजन टू फॉलो, और बोथ कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो। तो इसी हिसाब से आपको आंसर लगाने हैं। तो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि क्या ट्रू हो सकता है क्या ट्रू नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट को जैसे पढ़ने जा रहे हैं तो क्या कहते हैं ये, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, तो ये वही केस है ऑल ए इज बी, तो इसमें ब्लेड्स अंदर आ जाएगा सर्कल के और शार्प बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जजमेंट तो हो ही रही होगी, इससे पता चल रहा है आल ब्लेड्स आर शार्प, आल ब्लेड्स आर शार्प को ऐसे ड्रॉ करेंगे। सम ब्लेड्स आर ब्लंट, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, तो सम ब्लेड्स आर ब्लंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें से ब्लेड का इसने एरिया ले लिया, इंटरसेक्ट कर रहा है, सम ए इज बी, सम ब्लेड इज ब्लंट, और इस टाइप से भी हो सकता है ये। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, तो ब्लंट को छोड़कर जो बाकी एरिया है, नो ए इज बी का ये तीसरा जो है स्टेटमेंट है, नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, जो रेस्ट ऑफ द एरिया आफ्टर ब्लंट वो वाला एरिया हो जाएगा स्वॉर्ड का। तो कंक्लूजन क्या क्या है वो हम समझते हैं। तो कंक्लूजन कहते हैं ऑल स्वॉर्ड बीइंग ब्लेड्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो कहते हैं स्वॉर्ड्स जो कि स्वॉर्ड्स नॉट ब्लंट हैं, नॉट ब्लंट हैं स्वॉर्ड, वो बीइंग ब्लेड्स हो वो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कंक्लूजन वन कह रहा है। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, यहां पे बिल्कुल हो सकते हैं सारे के सारे स्वॉर्ड्स इतने ही हो। फ्रेंड्स इसको मैं रीड्रॉ करता हूं थोड़ा बड़े साइज में, आई थिंक आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी और मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आल ब्लेड्स आर शार्प, ब्लेड्स के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने यहां पे, आर शार्प शार्प ने, तो आल ब्लेड्स आर शार्प का वीडियो आप जो वेन डायग्राम है वो आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो सम ब्लेड्स आर ब्लंट, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, ये सम ए और बी का एरिया है, सम ए आर बी का एग्जांपल है, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, जिसमें ब्लंट और ब्लेड्स का एरिया कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कहता है नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, तो ब्लंट को छोड़कर जो सारा एरिया है हमारा वो स्वॉर्ड का
हो सकता है पर वो ब्लंट नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। सो वर्ड यहां पे भी आ सकते हैं, सो वर्ड ये सारे भी आ सकते हैं और ये सारे भी आ सकते हैं, बट ब्लंट वाला एरिया स्वॉर्ड में नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं ऑल स्वॉर्ड्स बीइंग ब्लेड्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि ऑल स्वॉर्ड्स बीइंग ब्लेड्स इज अ पॉसिबिलिटी। यस इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज नो स्वॉर्ड नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, इट इज ट्रू इन दिस केस। सो कंक्लूजन वन इज फॉलोड, कंक्लूजन वन इज फॉलोड। अब हम कंक्लूजन टू को पढ़ेंगे कि क्या कहता है वो। कंक्लूजन टू कहता है एट लीस्ट सम ब्लेड्स मे बी स्वॉर्ड, कुछ ना कुछ ब्लेड्स हो सकता है स्वॉर्ड्स हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, स्वॉर्ड्स आपके यहां पे भी हो सकते हैं, स्वॉर्ड्स आपके इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ ब्लेड स्वॉर्ड हो, मे बी स्वॉर्ड। अगर क्वेश्चन में आता At least some blades are swords, that is that conclusion is false. That means at least some blades are swords. Maybe को छोड़कर अगर यहां पर are swords आ जाता, are swords आ जाता, इसका मतलब वो कह रहे हैं some blades swords होंगे ही होंगे। Surety नहीं है यहां पर, यहां पर possibility है कि blades swords हो सकते हैं। तो कंक्लूजन टू ट्रू है लेकिन इन केस ऑफ आर इट इज फॉल्स। ये कंक्लूजन स्टेटमेंट का नहीं है क्योंकि स्वॉर्ड्स अगर यहां पे होते तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता और नो स्वॉर्ड विल बी अ ब्लेड। बट इन दिस केस ही इज आस्किंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी आर एट लीस्ट सम ब्लेड्स मे बी स्वॉर्ड। तो कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू बोथ फॉलोड, सो आंसर ई इज करेक्ट इन दिस केस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और दो कंक्लूजन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं आप एक बार ये क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें। मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए और ट्राई करने की कोशिश करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, उसके बाद सोल्यूशन मैच कर लीजिए तो आपका आपके लिए भी अच्छा होगा और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि सिलोजिज्म प्रैक्टिस से ही आता है। हाँ तो देख लीजिए क्वेश्चंस को। ऑल फ्लावर्स आर वाइट, सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, और कंक्लूजन को भी लिख लीजिए। ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर। तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं फॉर ऑल फ्लावर्स आर वाइट, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। फ्लावर्स होप कि आपने ऐसे ही ट्राई करा होगा। आर वाइट, तो इसे जस्टिफाई हो रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर वाइट। तो दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल। सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल जहां पे आ जाता है वहां पे इंटरसेक्शन आ जाती है, तो यहां पे इन दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी ऐसे ही ट्राई करा होगा। अगर नहीं करा तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको ऐसे करना है। तो कंक्लूजन इसके पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो ये पहला कंक्लूजन कहता है ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी का जो एरिया होगा वो ऐसा होगा। तो हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही कंक्लूजन है क्योंकि इसमें सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल भी हैं, सारे फ्लावर्स वाइट भी हैं और सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल भी हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो रही हैं, बट इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। सो यस कंक्लूजन वन इज ट्रू, कंक्लूजन वन इज ट्रू। फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी और डेफिनेट कंक्लूजन में दोनों में फर्क है। यहां पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन वन ट्रू है। अगर यहां पे लिखता
ऑल फ्लावर्स विल बी ब्यूटीफुल, तो ये गलत होता. ऑल फ्लावर्स विल बी ब्यूटीफुल इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी के सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल हो सकते हैं. यहाँ पे उसने पॉसिबिलिटी की बात करी थी, तो कंक्लूजन वन इज ट्रू. कंक्लूजन टू कहता है एटलीस्ट सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर्स, एटलीस्ट सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर्स. यस, अगर फ्लावर्स, यहां से आपको पता चल रहा है जहां पे जो भी यहां पे होंगे वो फ्लावर्स नहीं है, तो एटलीस्ट सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर्स इज ऑल्सो ट्रू. कंक्लूजन टू इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू आर बोथ फॉलोड. सो कमिंग टू द क्वेश्चन, कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू आर बोथ फॉलोड, सो आंसर ई इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. फ्रेंड, होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज पीछे करके आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स. आप ट्राई कर लीजिए, स्टेटमेंट है ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर ब्लैक, और कंक्लूजन वन और टू क्या है, सम मैंगोज बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक. चलिए ट्राई करते हैं. ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स को वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे. मैंगोज, ग्रेप्स, सो ऑल मैंगोज आर ग्रेप, सम ग्रेप्स आर ब्लैक. Some grapes are black. तो grapes और black का मैंने intersection point दिखा दिया जिसमें थोड़ा सा mangoes भी ले लिया. Mangoes इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन grapes और black बिल्कुल intersect करेंगे किसी point पे, तो mangoes को आना is just a possibility. तो conclusion को पढ़ने जा रहे हैं. Conclusions क्या कहते हैं, Some mangoes being black is a possibility. इसने conclusion वन वही का जो मैंने कहा था, क्योंकि black ऐसे भी हो सकता था, ब्लैक ऐसे भी हो सकता था. ब्लैक और ग्रेप्स में इंटरसेक्शन अब भी है, सम ग्रेप्स आर ब्लैक, दिस इज ट्रू. लेकिन मैंने ये वाला ड्रॉ करा क्योंकि इसमें ये केस ले रहा है कि सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सो कंक्लूजन वन इज फॉलोड. कंक्लूजन वन इज ट्रू हियर. अगर ये कहता सम मैंगोज आर डेफिनेटली ब्लैक, सम मैंगोज आर डेफिनेटली ब्लैक, तो ये कंक्लूजन गलत होता क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है. क्वेश्चन में लिखा है इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगोज आर डेफिनेटली ब्लैक इज अ रॉन्ग कंक्लूजन. कंक्लूजन टू को पढ़ते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक. ये वाले मैंगोज ब्लैक नहीं है, तो कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू दोनों करेक्ट हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक. ये वाला जो एरिया है ये यही कह रहा है कि सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो कंक्लूजन टू भी हमारा ट्रू है. तो कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू बोथ आर ट्रू, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, सो E is the answer here also. हो सकता, मैं होप करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए. तो स्टेटमेंट है ऑल एग्स आर टोमेटोज, नो टोमेटो इज अ पोटेटो, ऑल पोटेटोज आर गुड्स. दो कंक्लूजन हैं इसके, सम टोमेटोज मे बी गुड्स, ऑल एग्स Being good is a possibility. तो स्टेटमेंट वन की डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, All eggs are tomatoes. इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एग्स के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और टोमेटोज के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. No tomato is a potato. That means potato और tomato के सर्कल में
कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्कल्स रहेंगे। इस केस में नो टोमेटो इज अ पोटैटो, ऑल पोटैटोस आर गुड्स। तो गुड्स के लिए मैं ऐसे भी बना सकता हूं। गुड्स एक्स को भी कवर कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या क्या है? सम टोमेटोज मे बी गुड्स, सम टोमेटोज मे बी गुड्स, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। गुड्स यहां से भी पाथ क्रॉस कर सकता था, लेकिन गुड्स यहां से भी क्रॉस कर सकता है, तो सम टोमेटोज मे बी गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन कह रहा है। यस इट इज ट्रू, सो कंक्लूजन वन इज ट्रू, सम टोमेटोज मे बी गुड्स। All eggs being good is a possibility. All eggs being goods is a possibility. इसका मतलब ये कह रहा है क्या ये possibility है goods के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि इस केस में all goods, all potatoes are goods भी true हो रहा है, no potato is tomato भी true हो रहा है, all eggs are tomato भी true हो रहा है। तो all eggs being goods, all eggs being goods is a possibility is also true. So यहां पे possibilities की बात कर रहा है। अगर कहता all eggs will be goods, all eggs will be goods, तो वहां पे definition की बात कर रहा है कि definitely वो होगा ही होगा, वो चीजें definite नहीं है। It is only the possibility कि all eggs can be good. So it is true. Conclusion one and conclusion two both are followed. Answer is E. तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल स्टार्स आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर राउंड। तो इसका बहुत ही आसान सा डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल स्टार्स आर मून्स, ऑल स्टार्स आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लैनेट, All planets are round. तो ये हमारी स्टेटमेंट थी, इनके बेसिस पे हम कंक्लूजन्स दे रहे हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट है। यहां पे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। तो ऑल मून्स बींग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मून्स बींग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस। अगर ऑल स्टार्स आर मून्स, मून्स ऐसा भी हो सकता था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल ए इज बी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऑल ए बी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑल स्टार्स और मून्स को भी हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऑल स्टार्स और मून्स को ऐसे भी ड्रॉ करा जा सकता था। तो ऑल स्टार्स, ऑल मून्स बीइंग स्टार is a possibility. Conclusion one is true. Conclusion one is followed. Conclusion two क्या कहता है? All stars are round. All stars are rounds. तो यहां पे definite की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? All stars round होंगे ही होंगे, All stars are rounds होंगे ही होंगे, बिल्कुल गलत conclusion है। अगर यहां पे लिखता is a possibility तो ये true होता, लेकिन इसे possibility नहीं लिखा, इसने बोला All stars are round. माफ कीजिएगा, ऑल स्टार्स आर राउंड, तो हमेशा स्टार तो राउंड होंगे ही होंगे, ये तो ट्रू ही है, ये डेफिनेट है। मैंने पहले गलत बता दिया था, सॉरी। ऑल स्टार्स आर राउंड, क्योंकि स्टार्स का सर्कल है वो राउंड्स के अंदर है, तो इट इज डेफिनेट, इट इज ट्रू, इट इज डेफिनेट, इट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। ऑल स्टार्स विल बी राउंड इन एनी केस, सो इट इज, देयर इज नो नीड टू राइट इट एज ऑल स्टार्स इज अ राउंड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टार्स विल बी अराउंड for sure. So conclusion true is also true. So coming to question number 2 of this case, which says conclusion 1, at least some planets are stars, at least some planets, some of the planets are stars. So that is true, kyunki kuch planet star honge aur kuch planet star nahi honge. At least some planets are star, kuch planets jo nahi hai वो स्टार्स नहीं होगा, ये वाले सारे स्टार्स हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन वन ऑफ क्वेश्चन टू इज ऑल्सो ट्रू,
होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपकी एक बार वेन डायग्राम सही से बन जाती है तो आपको ये कंक्लूजन बिल्कुल सही से दिखने लग जाते हैं, तब आपको देखना है कि कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के बारे में बोल रहा है या डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में बोल रहा है। अगर डेफिनेट के बारे में बोल रहा है तो वो हमेशा हर केस में होना ही चाहिए। अगर वो पॉसिबिलिटी के बारे में बोलना चाहिए तो आपको उन सब पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना होगा जो जो पॉसिबल होती है, और उसके बेसिस पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा। कंक्लूजन टू, ऑल स्टार्स इफ दे आर मून, अगर सारे स्टार्स मून होते ये वाला केस, विल बी अ प्लैनेट, तो हाँ वो प्लैनेट के अंदर ही आते हैं तो सारे के सारे स्टार्स प्लैनेट ही होते, ये डेफिनेट है और ये ट्रू होगा। तो कंक्लूजन ट्रू भी, हम टू भी हमारा ट्रू है। सो इन दोनों केसेस में हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं, और इस टाइप से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने सब पढ़ाया है उसका सबका निचोड़ है, कंक्लूजन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको सिलोजिज्म समझ आ गया, और आईबीपीएस आरआरबी का क्वेश्चन जो आने वाला है वो गारंटी से कह सकता हूं आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, सम पेन्स आर नाइव्स, ऑल नाइव्स आर पिन्स, सम पिन्स आर नीडल्स, ऑल नीडल्स आर चेन्स। उसके बेसिस पे तीन कंक्लूजन दिए हुए हैं और ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलो, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट्स को एक एक करके मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पेन्स आर, सम पेन्स आर नाइव्स, सम पेन्स आर नाइव्स, जो स्टेटमेंट हमारी वन है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे पेन्स ड्रॉ करेंगे, यहां पे नाइव्स ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमारा इंटरसेक्शन सम पेन्स और नाइव्स को बताता है। दूसरा हमारा है आर नाइव्स आर पिन्स, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे जिसमें से हमारे नाइव्स सारे इंक्लूड हो जाए, ऑल नाइव्स आर पिन्स। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है सम पिन्स आर नीडल्स, सम पिन्स आर नीडल्स, जो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, जिसमें से पिन्स और नीडल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है और सम पिन्स नीडल्स को ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, ऑल नीडल्स आर चेन्स, तो ऑल नीडल्स आर चेन्स को, नीडल के सर्कल को हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑल नीडल्स आर चेन्स। होप कि आपको ये वेन डायग्राम तो समझ आ गया होगा, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो कंक्लूजन आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो कंक्लूजन वन, कंक्लूजन वन के लिए तो सम चेन्स आर पिन्स, तो वेन डायग्राम पे वापस आ जाइए कि सम चेन्स आर पिन्स ट्रू भी है या नहीं, सम चेन्स आर पिन्स, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है ये, कंक्लूजन वन इज ट्रू। कंक्लूजन टू, सम नीडल्स आर नाइव, सम नीडल्स आर नाइव, तो ये श्योरिटी नहीं है, कंक्लूजन टू श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये होगा ही होगा तो ये गलत है, सम नीडल आर नाइव ये फॉलोड नहीं होता, कंक्लूजन टू इज रॉन्ग, कंक्लूजन वन इज ट्रू। कंक्लूजन थ्री, सम पिन्स आर पेन्स, सम पिन्स आर पेन्स, यहां पे इंटरसेक्शन है तो हाँ कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। तो यहाँ पे कंक्लूजन वन और कंक्लूजन थर्ड हमारा ट्रू है, कंक्लूजन टू गलत है। तो कंक्लूजन वन और थ्री जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो पहले वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन कहते हैं सेकंड एंड थर्ड, सेकंड हमारा गलत है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, जिसमें वन और थर्ड दोनों आने चाहिए थे। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ आपको ये सिलोजिज्म टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, पॉसिबिलिटीज़ और डेफिनेट कंक्लूजन्स में आप थोड़ा फ़र्क रखिए, क्योंकि जहाँ पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है वहाँ पे हम आपको हमको हमारा हर एक सिनेरियो को कंसीडर करना होता है, और जहाँ पे डेफिनेट आ जाता है वहाँ पे जो हो ही सकता है, जो हमेशा होना है वही वाला सिनेरियो हमें कंसीडर करना है। धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपनी ईमेल आईडी बताइए, हम आपको पूरे ट्यूटोरियल की PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं क्रैश कोर्स 2 के दिन, तब तक के लिए इजाजत चाहिए, धन्यवाद।